चलिए आज हम देखेंगे 09 फ्यूचर कार। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसका ये डब्बा एरिया, तो इसमें दिक्कत ये है कि इसमें सेल लगा रहे हैं तो ये चल नहीं रही है। तो सबसे पहले हम सेल लगा चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। सेल लगाएंगे हम इसमें, तो अभी मैं इसमें क्या है कि सेल लगाता हूँ। तो सेल लगाया मैंने, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका, ठीक है। तो वापस से सेल निकाल देंगे। तो अभी इसे ओपन करेंगे हम, तो अभी हम देखते हैं इसमें और, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ओपन कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी हम इसको देखेंगे पूरी को, कार को। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसमें सेल लगाऊंगा, अभी मैं देखता हूँ सेल लगा के। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ इसका स्विच। अब सबसे पहले तो हम स्विच पे चेक करके देखेंगे, स्विच को डायरेक्ट टच करेंगे कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी। हम फिजिकल देख लेंगे, कोई वायर आपस में टच तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो जैसा कि इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप देखो देख सकते हैं मोटर का जो कैपेसिटर है उसमें बल आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको खोलूँगा, इसमें बल है थोड़ा सा। तो अभी ये वायर खोलते हैं, अब मैं इसको टच कर देता हूँ। जैसा कि आपने देखा गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो इसमें केवल इतनी सी प्रॉब्लम थी। तो अधिकतर इन गाड़ियों में क्या होता है कि कभी ये वाला वायर आपस में टच होता है, ये वाला वायर जो कि आप देख रहे हैं, तो इनको दूर कर दें, या फिर कभी ये वाले वायर, अभी जैसा कि आपने देखा मोटर में। और कभी कभी क्या होता है कि जब इसको अंदर डालते हैं तो ये आपस में टच हो जाते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये गाड़ी चालू हो गई अपनी, जैसे देख सकते हो। और ये सारा क्या होगा कि ये जो गियर फिर रहा है इसका, ये ऊपर टच होगा तब उससे चलेगा। चलो ठीक है, पहले अब हम इसको पैक करते हैं, फिर उसको हम देखेंगे। अभी मैं बंद कर देता हूँ उसको, अभी मैंने इसको ऐसे कैसे पैक कर देंगे। तो अभी हम इसको पैक कर देंगे वापस से, इसके नट बोल्ट लगा देंगे, इसको सेल को निकाल के इसके कनेक्ट, फिर इसको चेक करके देखेंगे हम। तो अभी मैं क्या करूंगा कि इसमें सेल लगा के इसको चेक करेंगे। तो अभी मैं इसका ढक्कन लगा के और आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, देखिए। अभी ये थोड़ा सा मैट है इस वजह से, देखिए चल रही है। तो अभी हमने बिल्कुल इसको ठीक कर दिया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।